अच्छा बिल्कुल वैसे रखा ये होटल अच्छे बहुत चलो ये लगने भी है हेलो बाबू कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे फर्स्ट क्लास रहो बाबू कैसी रही बड़े मजे की कटी चार महीने क्या हाल है बाबू ठीक है हम लोग बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बाबू क्यों कौन सी गाड़ी रुकी थी मेरे पास सुनो अबे इसके पास ट्रेल है पत्ते फेंक दो थैंक यू बाबू के बच्चे चंद ऐसे काम है जिन्हें सिर्फ तुम ही कर सकते और इसलिए बड़ी बेसब्री से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ खास बात हूँ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो शक्लो सूरत से शरीफ नजर आते बाकियों की तरफ देखो शक्लों से ही चोर और चक्के और खूनी नजर आते हैं सुनो आज से तुम एक रईस आदमी हो तुम्हारा नाम श्री बाबूलाल मेहता यह तुम्हारी गाड़ी की चाबी है और तुम इस गाड़ी के मालिक हो कल से बैंक जाओगे लेकिन एक शरीफ कस्टमर की हैसियत से और बैंक जाकर उसका पूरा नक्शा कैसी कोई लौंडिया वौंडिया का चक्कर है इसका मतलब है नहीं बाबू ऐसी कोई बात नहीं क्या बात है बल्ली ये एक निशानी है एक बच्चे की एक बच्चा जो मर चुका है आज से 20 साल पहले जबकि वो सिर्फ 5 बरस का था अपने घर वालों से गुम हो गया माँ बाप बहन कुछ भी याद नहीं सिर्फ यही एक निशानी बाकी रह गई थी I'm sorry, वाले साहब ये बाबू आपका कोई सगे वाला या भाई बहन तो नहीं मैं तुमसे फिर कहता हूं बाबू कैसी जिंदगी छोड़ दो ये दूसरी बार है कि तुम जेल की सजा काट कर आए बाबू हम बचपन में दोस्त थे इकट्ठे खेले कूदे इकट्ठे बड़े ये अलग बात है कि तकदीर ने मुझे कानून की दीवार के इस तरफ और तुम्हें उस तरफ कर दिया मैं चाहता हूं कि तुम कानून की दीवार के इस तरफ चले आओ बाबू उस तरफ सिवाय जलालत और तबाही के कुछ भी नहीं बाबू मैं जानता हूं कि वहां सिर्फ तबाही है लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं है तुम्हें शायद याद होगा कि जब मैं पहली मरतबा जेल से बाहर आया था तो तुम्हारे पास गया था और तुमने मुझे नौकरी भी दिलवाई थी एक बनिए क्या मैंने कहती थी ऐसे चोर को घर में मत रखो मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी अब मैं कुछ नहीं जानती मेरा नेकलेस निकलवाओ इससे तुम घबराओ नहीं अमलाकी माँ अगर इसने तुम्हारा नेकलेस चुराया है तो मैं इसके बाप से भी निकलवा लूंगा क्यों बे बोलता क्यों नहीं कहाँ छुपा रखा है नेकलेस मैंने इनका नेकलेस देखा तक नहीं जब पुलिस की मार पड़ेगी तब ये खुद ही बता देगा कि कहाँ छुपा रखा है नेकलेस इंस्पेक्टर साहब आए आइए इंस्पेक्टर साहब ये देखिए इंस्पेक्टर साहब आपके आदमी की करतूत इसने मेरी औरत का नेकलेस चुरा लिया है और आप तो कहते थे एक मिनट बोलो बाबू बात क्या है मैंने इनसे कहा है कि मैंने इनका नेकलेस देखा तक नहीं अरे वाह रे वाह इसने कहा और आप मान गए मैं कहती हूँ इसकी झड़ती लीजिए झड़ती इंस्पेक्टर साहब अगर आपने इसकी झड़ती नहीं दी तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी आप चुप रहिए मैं अपनी ड्यूटी को खूब समझता हूं माफ करना बाबू लेकिन ये मेरी ड्यूटी है मुझे सच सच बता दो शायद मैं तुम्हें बचा लूं Thank you.
नेकलेस बाबू के पास तो नहीं है। आपने इसे कच्चा चोर समझ रखा है जो नेकलेस चुरा के खीसे में रख लेगा। इंस्पेक्टर साहब कहीं छुपा दिया होगा। ये नेकलेस तू पहन कर गई थी? जी हाँ, मैं जल्दी में इसलिए बताना भूल गई थी। भूल गई थी? बता के क्यों नहीं गई थी? जाओ अंदर जाओ। दुनिया ने चोर चोर कहा और आप मेरे बचपन के दोस्त, आप भी घबरा गए। आपने भी शक की निगाहों से देखा। आपका विश्वास मुझसे उठ गया, मेरा विश्वास दुनिया से उठ गया। देखो बाबू, सब कुछ भूलने की कोशिश करो, दुनिया पर भरोसा रखो। यहाँ अच्छे लोग भी हैं और अच्छाई भी होगी, लेकिन मैंने नहीं देखी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे पिता गरीब आदमी थे और आपके पिता अमीर। और अगर मैं आपके घर में पैदा हुआ होता तो आज जेल से आप निकलते और शायद ये वर्दी पहने हुए मैं यहाँ बैठा होता और ये बैज भी लगाया होता। ड्राइवर जीप रोक लो। तुम्हें क्या हाल है कंपनी का? एकदम चालू है। कोई बदमाशी तो नहीं की किसी ने? सच? हाँ। शाबाश। बाबू तुम इतना दिन कहाँ रहा था? मैं बेटा एक एक नई दुनिया में गेला था। नई दुनिया? एक ऐसी दुनिया जहाँ सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। एक जैसा पहनना, एक जैसा रहना, एक जैसा खाना। तो बाबा हमको भी उधर ले चलो ना। नहीं 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 बेटा, भगवान ना करे, तुम्हारे लिए एक दूसरी दुनिया बनेगी। शायद शायद तुम ही उसे बनाओगे। पर बाबू इस दुनिया में क्या मिस्टेक है? मिस्टेक? बहुत मिस्टेक है बेटा, इस दुनिया में बहुत मिस्टेक है। इस दुनिया में ये मिस्टेक है कि ये दुनिया भीतर से कुछ है, ऊपर से कुछ है, साइड से कुछ है, दूसरी साइड से कुछ है। जैसे अभी ढोल वाले ढोला, जैसे ढोल में पोल, ढोल में पोल, पोल में पोल, तक धुम बजे भाई वाह हवा हा। तक धुम बजे दुनिया ते दा ढोल रे, तक धुम बजे, तक धुम बजे दुनिया ते दा ढोल रे, जितनी आवाज बड़ी उतना बड़ा पोल रे, तक धुम बजे। देखो इन्हें इनकी सीधी है चाल, माथे पे सीधा तिलक लाल लाल। भाई देखो इन्हें इनकी सीधी है चाल, माथे पे सीधा तिलक लाल लाल। दौलत का गाना भजन की है ताल, दौलत का गाना भजन की है ताल, और करनी जो पूछो तो बिल्कुल है गोल रे, तक धुम बजे, तक धुम बजे दुनिया तेरा ढोल रे, जितनी आवाज बड़ी उतना बड़ा पोल रे, तक धुम बजे। वो के महलों में मौजे उड़ाए, इक हम के फुटपाथ पर दिन बिताए। इक वो के महलों में मौजे उड़ाए, इक हम के फुटपाथ पर दिन बिताए। उनके तो कुत्ते भी मोटर पे जाए, उनके तो कुत्ते भी मोटर पे जाए, धोकर हम खाते फिरे बनकर फुटबॉल रे, तक धुम बजे,
तक धुम तक धुम बजे दुनिया तेरा ढोल रे, जितनी आवाज बड़ी उतना बड़ा पोल रे, तक धुम बजे। हम पे जो बीती सो बीती यहाँ पर, जो मेरे बाद होंगे जवान। हम पे जो बीती सो बीती यहाँ पर, जो मेरे बाद होंगे जवान। ऐ काश देखे ना वो ये समा, ऐ काश देखे ना वो ये समा, जो कुछ है मोल मेरा हो ना तेरा मोल रे, तक धुम बजे, तक धुम बजे दुनिया तेरा ढोल रे, जितनी आवाज बड़ी उतना बड़ा पोल रे, तक धुम बजे। देखो बाबू, जितना दर्द तुम्हारे दिल में इन बच्चों के लिए है, उतना ही दर्द मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। बाबू अभी कुछ नहीं, दुनिया एक ढोल जरूर है, लेकिन आवाज बजाने वाले के हाथ में है। जैसा हाथ वैसी आवाज। बाबू बदल जाओ प्लीज। और 3:12 पे तुम बैंक के इस दरवाजे पे खड़े हो। जी बहुत अच्छा। 3:20 पे मैं आऊंगा और 3:25 पे बाबू अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट किए बैंक के बाहर खड़ा होगा। बाबू वहां नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं आप लोगों का साथ छोड़ देना चाहता हूँ। तो फिर कौन सी गैंग में शामिल होना चाहते हो? मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे आइंदा ये काम नहीं करना है। बाबू ये मजाक का वक्त नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब ये गैंग तुम हरगिज नहीं छोड़ सकते, समझे? और अगर मैं छोड़ना चाहूं तो? नहीं बाबू, अब तुम ये गैंग नहीं छोड़ सकते, और अगर छोड़ोगे तो बहुत नुकसानदेह होगी, और हम ये नहीं चाहते, समझे? साहब, मलिक की गैंग का एक आदमी माल के साथ पकड़ा गया। गुड, बहुत अच्छे। जाओ जाकर रेड की तैयारी करो। फिर? Oh my God, गजब हो गया, खैराती पकड़ा गया। क्या? हाँ हाँ, अभी अभी जीवन ने कोड नंबर दिया, कहता है कि प्रिंसेस स्ट्रीट के हवालात में सारे बंद हो गए और सिर्फ वो बच के भाग निकला है। तो ये बैंक का होल्डअप भी गया। ताजुब है, जीवन और खैराती जैसे होशियार आदमी। हो सकता है वो बाबू। मैं भी यही समझता हूँ, उस हरामी बाबू ने मखौरी की होगी। महमूद कुमार, हमारे पास जाया करने के लिए एक पल भी नहीं। स्मगल किया हुआ माल जहां जहां पड़े उसे ठिकाने लगा दो, घर भी खतरे से खाली नहीं। और वो विस्की के केस? हाँ वो भी। कौन है? आओ जीवन। खबरदार वरना गोली मार दूंगा। हेड्स अप। पुलिस खबरदार। एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। हवलदार ले चलो सबको। बाबू क्यों, किस लिए? भाई इसलिए कि बल्ली के गैंग के सब आदमी पकड़े गए हैं और वो समझता है कि तुमने उनकी रिपोर्ट की। उसका दिमाग खराब हो गया है। तुम तो जानते हो कि मैंने सब नहीं किया। ओहो, मैं तो जानता हूं, लेकिन बल्ली इस बात को नहीं समझेगा। इससे पहले कि उसकी आंखों का जाला साफ हो, भाई तुम यहां से टल जाओ। बल्ली जमानत पर छूट गया है और शायद वो तुम्हारे खून का प्यासा हो। मैं इसीलिए तुम्हें यहां से दूर भेजना चाहता हूं। लेकिन मुझे उसे सारी बात समझानी होगी, वरना वो जरूर शक करेगा कि मैंने उसे पकड़वाया है। मेरे ख्याल में ये गलती होगी, लेकिन जब जा ही रहे हो तो जरा ख्याल रखना बाबू। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एनीवे श्याम, थैंक यू। बाबू कहाँ मर गए सब लोग? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बाबू। क्यों? बल्ली तुम्हें मार डालेगा।
बेवकूफ बल्ली तो बेवकूफ है, वो समझता है मैंने उन लोगों को पकड़वाया। कहाँ है बल्ली? बल्ली बल्ली बल्ली, देखो तुम्हें खामखा शक है, वो रिपोर्ट मैंने नहीं की है पुलिस। बाबू अब मैं तुम्हारी रिपोर्ट भगवान को करने लगा। बेटी, मंगला, कमला, कोई है? बेवकूफ मत बनो, मैं इतना कमीना नहीं कि अपने साथियों से धोखा करूं। पकते हो क्योंकि तुम्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही है। भले देखो बल्ले, ना मुझे मौत से डर है, ना तुमसे डर है, और ना इस चाकू से, और ना ही मैं तुमसे हम लड़ने आया हूं। फेंक दे चाकू, चाकू फेंक दे। बाबू मैं तुम्हें बहुत मारूं। मैं कहता हूं मुझे छोड़ दो बड़ी। मैंने कहा था मुझे छोड़ दो। उठ उठ बलि, बार बार कहा बल्ली चाकू फेंक दो, और आखिर में बाबू ने अपने को बचाने के लिए। अच्छा अच्छा, देखिए आप लोग मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, मुझे आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। दो आदमी यहां ठहरिए, बाकी सब लोग मेरे साथ चलो। आप आइए। उठते क्या, कभी कोई आदमी नहीं देखा? खड़े खड़े थक जाओगे, यहां बैठ जाओ। Thank you.
बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है बाबू। कहाँ हो तुम? तुम्हें तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम बाबू है? हम तो हर कोट पटलून पहनने वाले को बाबू कहकर बुलाते हैं, और हमारा एक ही सवाल है, कुछ दक्षिणा मिलेगी? जी दे रहो। कुछ खा लो, घबराहट दूर हो जाएगी। डरने की कोई बात नहीं, सब अपने ही आदमी हैं। आइए हवलदार साहब, क्या हाल चाल है? अरे एक चाय दो भाई। कहिए, आज कौन से शिकार को सरकार निकली है? अरे भाई वही रोज का काम है, एक खूनी इधर भाग आया है। खूनी? कौन है, कैसा है? अबे तू चाय पिलाना, तुझे क्या लेना देना इन बातों से। लीजिए हजूर, चाय हाजिर है। हुक्के के दो कश लगा लो, बदन गर्म हो जाएगा। बंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती। मुझे क्या मालूम, बंबई से आए हो और इतना भी पता नहीं? तुमसे किसने कहा कि मैं बंबई से आया? मैं भी कुछ दिन वहां रह आया हूं, बड़ी खाक छानी है वहां की, तभी तो एक नजर में तुम्हें भाव गया था। और क्या भावा है मेरे बारे में? पुलिस वालों से बहुत डरते हो, हर शरीफ आदमी डरता है, मैं भी बहुत शरीफ आदमी। बहुत सांचे में मालूम होते हो बाबू। अगर यही पुलिस वाले तुम्हें सलाम करने लगे तो मानोगे? सलाम करने लगे? है एक तरकीब अपने पास। कैसी तरकीब है? दीवारों के भी कान होते हैं, जरा मेरे साथ बाहर आओ। वो देखो, वो सामने जो गांव नजर आ रहा है उसका नाम थालपुर है, और ये है दरियाए ब्यास जो इस गांव के बीच से होकर निकलता है, और इस कस्बे के सबसे बड़े जमींदार का मकान वो है। वो आया ना था? उस जमींदार का एक ही बेटा था जो आज से 20 साल पहले गुम हो गया। उस वक्त उसकी उम्र यही कोई 5-6 साल की थी, और वो बहुत तलाश करने के बाद भी न मिला। मैं चाहता हूं तुम उस जमींदार का खोया हुआ बेटा बन जाओ। जमींदार का खोया हुआ बेटा बन जाऊं? बात समझ नहीं आई। तुम्हारी उम्र क्या है? यही 25, 26, 27। शाबाश, जीते रहो। अगर तुम ये कहो कि तुम ही उस जमींदार के खोए हुए बेटे हो तो कोई इनकार कर सकता है? ये कैसे हो सकता है, कभी तो इंसान पकड़ा ही जाता है, और मुझसे भी गलती हो सकती है। लेकिन तुम्हें वहां पूरी जिंदगी तो नहीं बितानी है, महीने दो महीने की बात है। उस बूढ़े जमींदार की तिजोरी में लाख डेढ़ लाख की मालियत हमेशा पली रहती है। तुम एक नेक अच्छे बच्चे की तरह वापस घर जाओगे, बूढ़े माँ बाप की सेवा करोगे, और सेवा करते करते एक दिन तिजोरी का बोझ हल्का करोगे। घबराओ ना, बाहर आते ही आधा बोझ मैं अपने कंधे पे ले लूंगा। और इसमें खास सफाई और भी है, अगर बंबई की पुलिस तुम्हें सूंघती हुई यहां तक आ भी गई तो बाबू गायब हो चुका होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा, मैं उनका बेटा। ये सारी बातें तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें वो सब बातें बता दूंगा जो एक 5 साल के बच्चे को याद होनी चाहिए। मैं क्या शादी डाक आई है? मामा, ओ मामा। मामा जी के बच्चे, तुझे हजार बार कहा है कि मामा मत कहा कर, मुनीम जी कहो, मुनीम जी। अच्छा भाई अच्छा, ये खत तो शाहजी को दे देना, फिर मैं तुम्हें मुनीम जी ही कहूंगा मामा जी। हाँ, अब आया तेरे खोपड़ी में। चल चल दबाओ। पूज्य पिताजी,
मैं घर आ रहा हूं। आपका बेटा कुंदन? हाँ पूज्य पिताजी, मैं घर आ रहा हूं। आपका बेटा कुंदन? बाप रे, ये तो बेटे का ही खत है। शाहजी, 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 गजब हो गया। क्या हुआ? जादू चमत्कार, कुंदन का खत, छोटे भाऊ का खत। कुंदन का? ओए मामिया, क्या बक रहा है तू? मैं तो ठीक बक रहा हूँ, अगर ये झूठ हो तो मेरा जूता और आपका सर। क्या? नहीं माफ करना, आपका जूता और मेरा सर, ये पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए। पूज्य पिताजी, मुझे आज ही मालूम हुआ है कि मेरा भी कोई घर है, कोई माँ बाप है। मैं घर आ रहा हूं, आपका बेटा कुंदन। आपका बेटा कुंदन? अरे सुनती हो रुक्मणी? अरे सुनती हो ओ रुक्मणी? क्या क्या है जी? रुक्मणी, रुक्मणी कुछ बोलो जी। बगली भगवान से आज कुछ और मांग लेती। क्या हुआ? अरे तेरा बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है। कुंदन आ रहा है, तेरा बेटा आ रहा है। कुंदन कहाँ है? कुंदन कुंदन नहीं है, उसका खत आया है। उसका खत आया है? खत आया? तो मुझे मेरे कुंदन का खत है। मैं तो अंधी हूं। 20 बरस के बाद अब हमारे बेटे को हमारी याद आई। जब माँ रो रो कर अंधी हो गई और बाप। ऐसा ना कहो, ना जाने 20 बरस के वनवास में मेरे राम पर क्या क्या गुजरी हो गई। उसे एक बार आने तो दो, मेरे कलेजे से लगने तो दो। अरे मामा जाओ, मेरे बेटे के स्वागत की तैयारी करो, तमाम लोगों को खबर कर दो। अरे माया कहाँ? माया, माया कहाँ गई? माया, माया, माया। अरे मामा जाओ, खड़े क्यों हो? जाओ, जान के अमान पाओ तो एक अर्ज करो। कहो। मुझे कुछ शक हो रहा है। शक? शक किस बात का? ये चिट्ठी कुंदन की है या नहीं? जब कुंदन खो गया था तो पढ़ा लिखा कहाँ था? मामा तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी तरफ वो भी 20 बरस गधे का गधा बना रहता है? गधे का बच्चा शक्ल नहीं बदलता, आदमी का बच्चा शक्ल बदलता है, समझे? समझे। आप उसे पहचानोगे कैसे? अरे मामिया मेरा बेटा होगा, मैं कहीं भी पहचान लूंगा। चल आ मेरे साथ। चलो सानू की। ये है तुम्हारे कपड़े और ये है बक्सा, मैंने इस पर अपनी सारी पूंजी लगा दी। जाओ फतेह करो। नहीं भगत जी, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इस चीज से तंग आ चुका हूँ, चोरी के बाद चोरी। मैं इस सिलसिला खत्म कर देना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया? देखो बाबू, मैंने सिर्फ 2 दिन में तुम्हें भाप लिया है और 2 दिन में पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। और पुलिस तुम्हें वो नहीं देगी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इतना बड़ा मकान, माँ बाप, दौलत, लाखों की दौलत। मैंने ये नक्शे बहुत पहले से तैयार कर रखे थे, सिर्फ तुम जैसे नौजवान की जरूरत थी। अब तुम्हें जाना ही होगा, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। जाओ। जियो छोटे सरकार। छोटे सरकार? मेरे बड़े सरकार। बड़े सरकार, छोटे सरकार? वही बचपन की आदतें, यही भोलापन। हमने पहचान लिया कि नहीं? पहचान लिया? चल 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 चलो ना यार। चलो ना यार। अरे बाबूजी, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली। चलो चलो बेटा कुंदन, चल 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 चल। अरे तो बाघ नहीं आंदा, चल हट परे। अरे हट परे। अरे भाई मेरा वो सामान उतारना है। शाबाश। कोई आया नहीं लेने? कोई आया नहीं लेने? कुंदन मामिया। ओ मामा। पिताजी नहीं आए? वो इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए नहीं आए। मेरा सामान। हाँ ए, सामान।
आपको भी मुबारक हो, आखिर भगवान ने मेरी सुनी ली। सबके किस्मत ऐसी। बाबूजी नमस्ते, जरा ठहरिए एक मिनट। बेटा इसे पहचानते हो? जी नहीं बेटा। दासमल, अरे तुम कैसे पहचानोगे, उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। हाँ बहुत छोटा था। बेटा कुछ पैसे डालो। आइए मेरा कलेजा ठंडा हुआ है, ऐसे सब माओ का कलेजा ठंडा हो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं माँ। ऐसा ना कहो मेरे लाल, ये तो कर्म का फल था, होने की बात थी, जिसे भगवान राम भी ना टाल सके। मैं तो कहती हूँ एक पल एक क्षण के लिए ईश्वर मुझे आंखें दे दे तो मैं जन्म जन्म के लिए तुझे अपने मन में बसा लूं। कलसु, तू मेरी आंखें बन जा, बता तू मेरा लाल कैसा दिखता है। रुक्मणी, लाखों में एक तेरा बेटा, लाखों में एक। सच? तब तो अच्छा है कि मेरी आंखें नहीं, नहीं तो अपनी ही नजर लग जाती। बिल्कुल अपने दादा पर गया। दादा की भी कोई शक्ल थी, नाना पर गया होगा। अच्छा अच्छा भाई, शक्ल चाहे नाना पर जा मगर अकल न जाए। देखो जी, माया कहीं नजर नहीं आ रही। माया तुम हो, कैसी हो माया? ले और खा। जी नहीं, और भूख नहीं। वही, बिल्कुल वही, बचपन में भी ऐसे ही नाना किया करता था और मैं पकड़ पकड़ के तेरे मुंह में ठोसा करती थी। मालूम होता है अब भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लो खोल, खोल। क्या करती हैं आप? मैं बच्चा थोड़ा ही। अरे बड़ा होगा तो किसी और के लिए, मेरे लिए तो तू वही है। लो 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 ना, एक और ले। अच्छी बात। एक दिन की बात मुझे अच्छी तरह याद है, तू बीच रात को उठ के जलेबियां मांगने लगा। अब घर घर होता है, होटल और दुकान तो नहीं। मैं तो बड़ी दुखता में पड़ गई और तू है कि रोता चला जा रहा है। आखिर आधी रात के समय उठ के तेरे लिए जलेबियां बनाई, याद है तुम्हें? ये सब तो याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि मैं आपको परेशान बहुत किया करता था, आपका नाक में दम किए रहता था। बस यही बातें हैं जिन्हें याद कर करके मैं अक्सर अकेले में बहुत रोया करता था। माँ सबके रोएं तेरे दुश्मन, अब वो दिन गए और लौट नहीं तेरी जलेबियां। ले खा, मैंने आज ही बनाई है। जी नहीं यार, नहीं, अब बस खा ना। आज 20 बरस के बाद तू खा रहा है और मैं खिला रही हूँ, ले। लेकिन 20 बरस की जलेबियां एक दिन में कैसे खा लूं? 20 बरस की नहीं बेटा, ये तो ताजी है, गरम गरम ले। ओ, ओ, आप नहीं समझेंगे। लाइए। ले एक और। एक और लाइए। मैं सब देख रही हूँ, तू पीछे छुपा रहा है बहन के लिए, है ना?
जब भी तू ऐसे किया करता था। तो बचपन में तुम कैसे गुम हो गए? बस बाबूजी की उंगली पकड़ के मेले में गया और गुम हो गया। क्या हुआ गुम होने के बाद? बोला क्या था, बिलाऊं बिलाऊं करके रोता रहा। अच्छा तो तुम्हें कौन ले गए थे? बस एक साधु था रामताराम, वो ले गया था। कमबख्त ने जलेबियों के चक्कर में ले गया। तो फिर क्या हुआ? ये पूछो फिर क्या नहीं हुआ, कुछ याद है या कुछ भूल भी गया हूं? वो मुझे कभी बनारस, कभी काशी और कभी कभी नासिक लिए लिए फिरता रहा। उसने तुम्हें साधु नहीं बना लिया? मगर वो खुद भी साधु थोड़ा ही था, वो तो एक भिखमंगा था। तुम तो जानती हो कि भिखारी के साथ कोई बच्चा हो तो उसे भीख आसानी से मिल जाया करती। वही तुम्हें बंबई ले गया था? नहीं नहीं, वो बस यही समझ लो, वो बात यह है कि मुझे भीख मांगने से नफरत थी, इसलिए तंग आकर मैंने घर लौट आने की सोची। तुम्हें घर का पता मालूम था, तो पहले क्यों नहीं आए? मुझे कहाँ पता था घर का, वो तो किस्मत थी कि दिल्ली में वही भिखमंगा मिल गया। बुरी हालत थी उसकी, बदन पर कीड़े चल रहे थे। मैंने कहा तुम मर भी नहीं सकेगा चैन से अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, मेरे बाप कौन है। तब जाके कहीं उसने घर का पता बताया। तब तो तुमने बड़ा दुख दिखा होगा भैया। कुछ मत पूछो माया, मुझे उन दिनों की याद से बड़ा लगता है। तुम वादा करो कि मुझे उन दिनों की याद कभी नहीं दिलाओगी। मैं वचन देती हूँ तुम्हें, फिर ऐसी बातें कभी ना पूछूंगी। तुम घर आ गए बस। कहाँ है? कौन? वही वही वही, बोलो ना, बताओ ना। अरे क्या बताऊं, वही तेरा भैया कहाँ है? ओ, अच्छा जल्दी बताना, बताओ जल्दी ना। देखती हूँ मैं। भैया बच्चों भागो भागो, तोड़ो। क्या हुआ क्या हुआ? वो सब आ रही है। कौन आ रही है? इधर ही आ रही है। कौन? लड़कियां, भागो। लड़कियां आ रही तो क्या हुआ? तुम नहीं जानते गांव की लड़कियों को, सबके सब हरी मिर्च है, एक भी लड़के तो सीसी करते रह जाओगे। आंख से पानी, नाक से पानी, मुंह से पानी और कानों से धुआं। अरे जाना बहुत देखी है बंबई में, एक से एक मौके देखी होंगी, पर ऐसी नहीं। कोई बात नहीं, एक एक से निपट लूंगा। अब भी मालूम पड़ेगा। Thank you.
मुन्नी मुन्नी नूर बेगम हुसैना बनाना जी, हसीनों का शहजादा है, हसीनों का शहजादा है, हसीना उड़ाना जी, दिल उड़ा ले जाएगा, छोड़ो बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिनन्ना, देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिनन्ना। बेटा आ गया कुंदन की माँ, सब कालकष्ट दूर हो गए हमारे। कालकष्ट? मैं तो कहती हूँ जीना भी सफल हो गया और मरना भी। मैं समझती थी बेटे के हाथ लगे बिना ही मर जाऊंगी और नरक की भागी बनूंगी, लेकिन अब तो यहाँ भी स्वर्ग है और वहां भी स्वर्ग। हाँ रुक्मणी, हम तो धन्य हो गए, अब बेटा संभाले सब कारोबार और हम दोनों को दे दे छुट्टी। मुनीम जी, मुनीम जी, क्यों कुंदन की माँ? क्या है जी? हाँ मुनीम जी, कल से बेटे को सब कारोबार समझाना शुरू कर दो, समझे? आप बेफिक्र रहिए, मैं उसको ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर कुछ नहीं आएगा। क्या कहा? नहीं, सब कुछ आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओए मम्मिया, काका बैठे चुपके। क्या बात है? बात ये है, गंगी गंगी गंगी। अरे तेरा तो सांस चल रहा है। बस अभी मैं निकलने वाला ही है। पर बात क्या है मामा जी? बात ये है कि मैं तुझे देखता हूँ ना जी, तो मैं तो बेहोश हो जाता। अच्छा, तो और क्या होता? और क्या होता, यहाँ यहाँ कुछ 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 हो जाता है। यहाँ? अरे तेरी तो क्या करती है, मुझे मारती है? जरा ठहर। गंगी, ये मुझे क्या हो रहा है? हाँ हाँ बोल। बोलू? मेरे दिल में
कैसी उमंगे उठ रही है आज और यहाँ यहाँ यूं यूं कुछ क्यों हो रहा है? मैं बताऊं तुझे, तेरे सर पे भूत सवार हो गया है। भूत कहाँ है? किसका है? कहाँ है भूत? कहाँ है भूत? मोहब्बत का। मोहब्बत का भी भूत होता है? उतरवाओगे क्या? उतारूं? उतारूं? तो उतारेगी ना? हाँ मैं उतारूंगी। तो फिर कोई बात नहीं, उतरवाओगे? उतारूं बाबू, कुंदन बाबू, क्या बात है मामा? क्या बात? हुआ? बात ये है, मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई है? किससे? एक लड़की से। अच्छा हुआ किसी बुढ़िया से नहीं हुई। हाँ लेकिन बात ये है कि मैं मोहब्बत करना जानता नहीं। 40 साल की उम्र हो गई, बिना मोहब्बत किए हुए मर जाऊंगा तो मेरे औलाद का क्या होगा? बिल्कुल जाहिल हो रहे मियां, पहले मोहब्बत की जाती है, फिर शादी होती है और उसके बाद औलाद होती है। हाँ लेकिन यार मैं कुछ जानता नहीं, मैं तो औरत से बहुत डरता हूँ, अपनी समझ में कुछ नहीं आता। अरे वो कौन सी फुलबुलैया है, औरत भी तो वैसे ही होती है जैसे हम और तुम। औरत से मोहब्बत करना तो बड़ा आसान है। बड़ा आसान है? हाँ तो जल्दी 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 बताओ, मैं अभी मोहब्बत करके आता हूँ। कौन है? है वो मैं नहीं बताऊंगा, 40 साल के बाद मेरे को एक चांस मिला है। तुम शहर के लड़के बड़े खतरनाक होते हो। हाँ अच्छा सुनो तो, पहले उसके पास बैठ के मुस्कुराते। अच्छा वो कैसे मुस्कुराते? दिखाओ दांत। उसके बाद जो बात उसकी पसंद आए उसकी तारीफ करते। अच्छा मसलन तुम्हें उसका क्या पसंद है? मुझे सब कुछ पसंद है। मेरा मतलब है उसकी आंखें पसंद है, उसके नाक पसंद है, कि उसके होंठ पसंद है, कि उसके बाल पसंद है। तू मुझे उसका हुलिया बता दे तो तुझे उस्ताद बना दूं। हाँ बोल दे उसे। हाँ तेरी काली काली आंखें, तेरे गोरे गोरे गाल, तेरे नशीले होंठ, तेरे काले काले बाल, मैं तुझ पर मर बैठा हूँ। अच्छा मामा पहले मुस्कुराना पड़ता है। भाई जिंदगी में एक ही चांस मिला है, तेरे बाप का क्या जाता है? जरा मुझे बोलने देना। चुप। ये तेरे सफेद बाल, लाल लाल आंखें, काले काले होंठ, लंबे लंबे दांत, मैं तुझ पर मर मिटा हूं। का? मैं और क्या तारीफ कर? तू मेरी तारीफ कर रहा है या किसी चुड़ैल को याद कर रहा है? अब तेरे की फिर गलती होगी, मैं भी आता हूँ। ये अपने बस का रोग नहीं है मामा। अपने बस का रोग नहीं है? अरे दुनिया भर का हिसाब किताब इसी नागरी में चलता है, यहाँ तुम्हारा उर्दू भी तो नहीं चलेगा। मामा नागरी में कोई लग मात्रा तो होती है, इस बोली में तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये भी ठीक कह रहे हो। हाँ लेकिन तुम कोशिश तो करो, बिना कोशिश किए सब कुछ कैसे आएगा? हाँ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अच्छा मामा कुत्ता बेदिन, कुत्ता बेदिन क्या लिखा है? हम क्या बही खाते में गालियां लिखते हैं? और क्या है? कुतुबुद्दीन। ये कुतुबुद्दीन लिखा? हाँ कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन। मर गया? मर गया? राम 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 राम। मर गया नहीं मार गया, कुतुबुद्दीन 550 रुपए मार गया है ना। अच्छा धंधा है। हाँ, धंधे में सब कुछ चलता है। आगे बढ़ो। हाँ ये देखो 550 रुपए साफ लिखे लिखे है ना। ये दुई, इसके आगे एक लकीर, चार आने हो गए, दो लकीर आठ आने हो गए, और पांच लकीर 1000 रुपए हो गए। पांच लकीर होते ही नहीं बाबा, चार लकीर का तो रुपया बन जाता है। ये मैं नहीं सीखूंगा। ये तो तुम्हारे बाप को भी सीखना पड़े। हाँ इंसान हर इल्म कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख कर आता है, आखिर हमने भी तो सीखा था। मगर मुझे इस तरह के इल्म से कोई दिलचस्पी नहीं। किस बात में दिलचस्पी है हमें भी पता चले। महीने भर से तुम्हारा मुंह देखते आ रहे हैं, आज हम हैं कल नहीं है। इतनी बड़ी जायदाद कारोबार कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? ये मामा पहले से मुंह फाड़े बैठा है कि कब हमारी आंखें बंद हो और सब माल खुद बुद करें। क्या कह रहे हो शाहजी? चुप कर मामिया, मैं सब जानता हूं। बेटा
मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में तू सब कुछ संभाल ले, नहीं तो ये सारी जायदाद इस भेड़िया के मुंह में चली जाए। हाँ, इंसान लालच में आ ही जाता है। ठीक कह रहे शाहजी। सुन रहे हो? जी। कहाँ जा रहे हो गुस्से में? कहीं नहीं। कहीं नहीं? अगर कहीं नहीं जाना तो मेरे साथ चलो। ये सब तुम्हें कैसे लग रहा है? यूं लगता है जैसे मैं बचपन में खेलता रहा हूं। देखो वो सुनो, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हें पिताजी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने क्या कहा, वो तो आते ही बरसने लगे। तुम पिताजी को नहीं समझे, वो बाहर से जितने भी सख्त है दिल की उतने ही नरम है। सुनो, वो सिर्फ इतने ही चाहते हैं कि उनका बेटा सारा कारोबार संभाले। लेकिन मैं सारा कारोबार एक ही रोज में कैसे सीख सकता हूँ? लेकिन तुम देखा तो सकते हो, कोशिश भी कर सकते हो। मैं कौन सा इतनी देर रहने वाला हूँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं गांव में रहने का आदी नहीं हूँ, शहर ही में पला, शहर ही में बड़ा हुआ और यहाँ की हर चीज नई लगती है। यहाँ तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता? ये खेत, पेड़, हवा, बादल, मैं? ये जो सब देख रहे हो, ये सब तुम्हारा, ये खेत तुम्हारे और वो सारी जमीन भी तुम्हारी, वो मकान वो भी तुम्हारा। और तुम? हम भी तुम्हारे, तुम भी हमारे। चलो और देखोगे। अरे बैठे बैठे क्या कर रहे हो, फूल तोड़ो ना। पहले सलाम करो। पहले सलाम करो। क्या किया तुमने? क्यों? फूल मेरे बालों में ढक दिया। क्या बुरा किया? बहुत बोले हो, कुंवारी लड़कियां फूल नहीं लगाती। बंबई में तो सभी लगाते हैं। फिर वही बात, बंबई में रिवाज होगा या नहीं? फूल औरत की सुंदरता को बढ़ाता है। औरत और बहन में बहुत फर्क होता है। बहन औरत नहीं है क्या? तो देखो वो फूल। ये कैसी आवाज है? यहाँ की चिड़िया है। चिड़िया? यहाँ की चिड़िया बहुत निराली है, खास मौसम में आती है। ये सुनिए आवाज़।
पंछी है। ये भी एक पंछी है। एक पंछी काफी काफी है। घुंघरू भी पहन रखे हैं। तुम नहीं जानते यहाँ के पंछिया ये नाचते भी हैं, गाते भी हैं। नाचते भी हैं, गाते भी हैं। चल किसी की नजर से
बाबूजी, जरा मेरा ये खत पढ़ दीजिए। मैं तुम चलो मैं आता हूँ। क्या चाहते हो? सफर के बाद खेल खेल भी जाना हो तुम्हें। क्या चाहते हो? देखो बाबू, महीने भर के ऊपर हो नहीं पाया और तुम वहीं के वहीं हो। उनका ऐश में पर के अपने मकसद कब भूले हैं? इसका तो आम समझा थे। वो मिठाई को भेजते रहे हो, लेकिन मैं तो करगदा नहीं हूँ। मैंने तुम्हें 10-20 रुपए की छोटी छोटी रकमों के लिए नहीं, लाखों के लिए वहां भेजा था। आखिर किस बात ने तुम्हें अपने काम से रोक रखा है? कोई बात नहीं, ऐसे कामों में सब्र की जरूरत होती है। झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ परी ने तुम्हें भरमाया है। मत करो ऐसी बातें। तो फिर कैसी बातें करूँ बाबू? देखो बाबू, इन बातों से तुम बूढ़े खुसट और बुढ़िया ढट्टों की आंखों में खाक झोंक सकते हो, भगत के नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भगत जी। आप तो, आप मुझे गलत समझ बैठे हैं। गलत समझ बैठे भगत जी, कभी गलत नहीं समझते। खैर, तुम जो चाहो सो करो, लेकिन मेरा काम ना भूलना, वरना मुझे अपने दिल की बात किसी और से कहनी पड़ेगी, शायद पुलिस से। हाँ 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 भगत जी, सब ठीक हो जाएगा। बस आप मुझे 10, 12 या 15 रोज और दे दीजिए। वादा? सब ठीक हो जाएगा। तेरे बाप का घर है जो घुसता चला जा रहा है। मेरे बाप का नहीं, तुम्हारे बाप का और तुम्हारी माया का। कहो, माया के जाल से निकले या नहीं? कहा ना तुम्हें कितनी बार कि मुझे माया में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें नहीं है, लेकिन मुझे तो है। क्या मतलब? उस माया से नहीं, इस माया से। बाबू, मुझे 200 रुपए चाहिए अभी और इसी वक्त। जब आता घोड़े पर सवार आता है। 200 रुपए का इंतजाम नहीं मेरे पास इस वक्त। चाहिए तो 10 रुपए ले सकते हो। बंबई का बाबू शोर क्यों मचाता है? देखो बाबू, तुम्हें इतने मालदार बाप का बेटा इस वास्ते तो नहीं बनाया था कि ऐश में पड़ के हमें भूल जाओ। 200 रुपए का इंतजाम कर दो बाबू। अच्छा अच्छा जा, कल बंदोबस्त हो जाएगा। भूलना मत। मामा, मुझे 200 रुपए की जरूरत है। शाह जी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पूछो इससे क्या करने 200 रुपए? क्या करने 200 रुपए? कह दो जेब खर्च के लिए चाहिए। फजूल खर्च के लिए चाहिए? जेब खर्च? ये जेब खर्च क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? कह दो मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, आप बकवास कर रहे हैं। तुम, ये तुम कह रहे हो? खाना कपड़ा जिंदगी की क्या जरूरत है जो इस घर में पूरी नहीं होती? यहां तक कि रामदा तुम्हें सिगर तक ला के देता है, एक दो नहीं तीनों के टिन। शहर से जो चीजें आती तुम्हें मिलती हैं और उसके बिल हमें। ये 200 रुपए किस बात के लिए चाहिए? मुझे दान देना है। दान पुण्य तो हमारे घर में हमेशा होता है। पूछो इस मुनीम के बच्चे से, पिछले 20 साल में हमने क्या कुछ नहीं दिया तुम्हारे नाम पर। तो फिर तुम्हें कहां देना है? कहीं भी देना हो आपको, इससे क्या मतलब है? क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं है? जब तक मैं जिंदा हूं नहीं, मर जाऊंगा तो चाहे दोनों हाथों से लुटा देना सारी दौलत को, आग लगा देना, भाड़ में चौक देना। कुंदन, कुंदना, इधर आती। बैठो बेटा, बैठो। लो, इसे खोलो, इसमें से जितने रुपए जी चाहे ले लो।
बाप का गुस्सा माँ पर मत निकालो, ये सब तुम्हारी है। तुमने जी मैला कर लिया तो मैं मर जाऊंगी। इन हाथों के मैल के लिए अपने बाप के साथ झगड़ा मत मोल लो, इसमें से जितने जी चाहे ले लो। जी नहीं, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा तू उन्हें नहीं जानता, वो बाहर से कैसे भी हो भीतर से उतने ही नरम है। वो तो किसी दुश्मन का भी बुरा नहीं देख सकते, फिर तू तो बेटा है अपना। जी मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। कर देना इस बूढ़े के पागलपन को। आओ, अपना ही आदमी है। ये लो रुपए पूरे 200। शाबाश, अब असली काम कब करोगे? हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मगर कब? ये 100-200 के चक्कर से काम नहीं चलता। वो काम करो जिससे गली दर दूर हो जाए। कहा तो जब तक मकसद पूरा नहीं होगा वहां से नहीं हटूंगा। कौन सा मकसद? जबान संभाल के बात करो। बाबू ज्यादा गर्मी अच्छी नहीं। अरे बैठो बाबू, भाई बाबू को बीड़ी पिलाओ। खफा होने की बात नहीं बाबू, मैं तो ये याद दिला रहा था, जो माँ बाप तुम्हें दिए हैं नकली हैं, कहीं उनकी मोहमाया के चक्कर में पड़ के असल काम न भूल जाना। जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आती है, इस काम का होना बहुत मुश्किल है। ये कौन सी मुश्किल बात है? तिजोरी की चाबियां बुढ़े खुसट के तकिए नीचे 24 घंटे पड़ी रहती है। किसी दिन रात में उसका टेटवा दबा कर हाथ साफ कर दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, फिर जो जी में आए करो। ये एनसी ऑफेंस है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यस गुडनेस सर, बाबू की खबर मिल गई। बाबू की खबर मिल गई? जी, वो दिल्ली के स्टेशन पर देखा गया। तो किसने देखा उसे? किसी टीटी ने देखा है। नाम और पता तो मिल गया होगा। जी हाँ, ये उसका फुल रिपोर्ट है। मेरे
जाने कहाँ होके बाहर आईया, जाने कहाँ होके बाहर आई। कुछ अन्य कही कही मेरे चितवन बोले जिया, लेकिन मेरी धड़कन कुछ अन्य कही। कुछ अन्य कही कहे मेरे चितवन बोले जिया, लेकिन मेरी धड़कन एक नया अफसाना। मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई, ओ जाने कहाँ होके बाहर आई। पमगा मरेगा पमगा मा, सने तप मंगल सने ने ने दीवाना। मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। हो सावन लगा मचल गए बादल, देखो जिसे हुआ वही पागल। सावन लगा मचल गए बादल, देखो जिसे हुआ वही पागल। कौन हुआ दीवाना, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल। जाने कहाँ होके बाहर आईया, जाने कहाँ होके बाहर आई, हो जाने कहाँ होके बाहर आई, जाने कहाँ होके बाहर आई। पास आओ और पास, लो चलो और पास। तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। भगवान के लिए मुझे इस नाम से मत पुकारो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक कहता हूँ, मैं दुनिया जहान को धोखा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम मेरे भाई नहीं हो। मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारा। मैं एक चोर हूँ, एक खूनी हूँ, जिसे जिसके पीछे पुलिस लगी है। ये सब झूठ बात कर रहे हो। ये सच है, तुम्हारा प्यार ही मुझ जैसे चोर को इंसान बना सकता। तुम्हें मुझे ये प्यार देना ही होगा। मैंने कब कहा कि मैं प्यार नहीं दूंगी? लेकिन ऐसे नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं, मुझे बहन का प्यार नहीं चाहिए, मुझे एक औरत का प्यार चाहिए।
माया मत जा, माया माया मत जा, माया 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 माया। क्या हुआ, क्या हुआ भैया? मत जाओ माया, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम चिल्ला रहे थे। मैं चिल्ला रहा था नींद में। जागो भैया। ऐसा लगता जैसे किसने शीशा पिघला के कानों में डाल दिया। भैया न कहूं तो और क्या कहूं? मुझे इस नाम से नफरत। नफरत? नफरत क्यों है? तुम नहीं जानती माया, इसलिए कि इसलिए कि अच्छा तो अच्छा भैया नहीं, भाई जी कहा करूंगी। नहीं 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 नहीं, भाई जी मत कहो, कहना है तो कुंदन कहो या बाबू कहो, जैसा कि प्यार करने वाले मुझे कहते हैं, जैसे कि सभी मुझे कहते हैं। मैं तुमसे छोटी हूं ना, नाम से कैसे पुकार सकती हूँ? इतनी पढ़ी लिखी लड़की होते हुए भी ऐसी बातें करती हो। मैं जी तुम्हें इजाजत देता हूं। अकेली मेरी तुम्हारी बात तो नहीं, और भी तो है। और चाय भर। बीस साल इन जेवरों को पहनना तो क्या, मैंने छुआ तक भी नहीं, और अब क्या पहनूंगी? ये सब तेरी बहू को दे दूंगी। बहू? हाँ, कितना भोला बनता है, जैसे जानता ही नहीं कि बहू क्या होती है। फिजूल बातों। तुझे ये सब फिजूल बातें लगती हैं? तो क्या जाने, हर माँ के दिल के किसी कोने में एक बहू छुपी होती है, जो एक दिन हाथों में कड़े, पांव में छड़े छम छम करती चली आती है। ये देख तेरी बहू का हार। बहुत कीमती लगता है ये हार। हाँ, तू नहीं जानता, ये हार चार पीढ़ियों से हमारे घर में सास से बहू तक चलता आया है, और अब मैं इसे अपनी बहू को पहना दूंगी। देखे, मुझे मालूम था तू बहू के लिए हार ले न ले, हार के लिए बहू जरूर ढूंढेगा। मैं अभी आया। अरे कहाँ चला कुंदन? इस हार के लिए बहू ढूंढने। पगला कहीं का। माया, तुमने ये नेकलेस देखा? कितना सुंदर लगता है जगमग जगमग करता हुआ, लेकिन इसकी असली सुंदरता तो उसी वक्त मालूम हो जब किसी के गले का हार बने। देखो, ये तुम्हारी सुंदरता बढ़ाता है या तुम इसको चार चांद लगाती हो? ये मेरे पहनने का थोड़ा ही है, इसे तो घर की लाज पहने की, घर की मालकिन। तो क्या तुम इस घर की मालकिन नहीं हो? इस घर के होने वाले मालिक तुम हो, और मालकिन हो जो आएगी। मैं तो बाहर की हूं। बाहर की तुम नहीं, बाहर का तो मैं हूं। मेरा मतलब है कि कैसी बातें करते हो तुम? ये तुम्हारी होने वाली बीबी पहनेगी। इसीलिए तो तुम्हारे गले में पहनाने से पता चल जाएगा कि उसके गले में कैसा लगता है। पगल मत बनो, समझने की कोशिश करो मेरी बातों को। मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन तू नहीं समझ रहा है। मेरा मतलब है कि बजाय इसके कि ये खूबसूरत हार किसी अजनबी का इंतजार करता रहे, तुम्हें क्यों नहीं पहन लेती? ये तुम्हें क्या हो गया है, बेकार की जिद क्यों कर रहे हो? जिद तुम कर रही हो, मेरे से बात को आसमान पर उछाल रहे हो। ये लो अपना हार।
माँ, माया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कहो बेटा। सुनो, भैया जब छोटे थे तो कैसे गुम हुए? क्या मतलब? ये सब तू क्यों पूछ रही है? ऐसे ही वो जब बातें करते हैं तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। पगली, अजीब तो लगेगा ही। जो आदमी 20 बरस से बाहर रहा हो उसे क्या मालूम माँ का प्यार क्या होता है, बहन का दुलार क्या। क्यों, कोई ऐसी बात की मेरे लाडले ने? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर कुछ समझ में नहीं आता। देखो बेटा, मैं लक्ष्मण पूजा रहा हूँ माया की शादी पक्की करने के लिए। मेरी घर हाजिरी में घर का ख्याल रखना। माया की शादी? हाँ, वहां एक चौधरी का लड़का है। लड़का अच्छा है, 500 बीघा जमीन है, हजारों की आमदनी है, और फिर माया भी पढ़ लिखकर सियानी हो गई है, उसे विदा करना है। नहीं, तेरी क्या राय? मेरी राय ऐसी जल्दी भी क्या है? अरे बेटा, बेटी का धन ज्यादा दिनों तक घर में भी तो नहीं रखा जा सकता। लेकिन फेंका भी तो नहीं जा सकता। क्या मतलब? मतलब यह है कि एक ऐसा आदमी जिसे जिसे माया नहीं, ऐसे आदमी के साथ आप उसकी शादी कैसे करा सकते हैं? तो मैंने तुमसे राय मांगी, अपने फैसले में टांग लाने के लिए नहीं कहा। आपका फैसला ये ठीक है कि माया आपकी बेटी है, लेकिन माया मेरी भी कुछ है। होगी, तुम्हें इतराज उस वक्त होना चाहिए लड़का अच्छा ना हो, घर अच्छा ना हो। शादी नहीं हो सकती, लड़की ने लड़का नहीं देखा। जाओ अपना काम करो। तुमने मुझे बुलाया है माया? ये सब क्या है? राखी, मैं तुम्हारी कलाई पर बांधना चाहती हूं। आज कौन सा रक्षाबंधन का दिन है? रक्षाबंधन का कोई खास दिन नहीं होता। पुराने जमाने में बहनों ने जब जरूरत पड़ी ये राखी भेजी है। मैं नहीं मानता पुराने रस्म रिवाज को। भाई के लिए बहन का प्यार कोई पुराना रिवाज है? क्या जानो प्यार किसे कहते हैं माया? प्यार एक जज्बे का नाम है जो इंसान के मन में होता है, कोई दिखावे की चीज नहीं होती। बंधवानी पड़ेगी। फिर वही बात। मुझे नहीं पसंद है कि इंसान दूसरे इंसान की पूजा करे। मैं पूजा नहीं करती, सिर्फ ये धागा बांधती थी। नहीं, इसमें तुम्हारा बिगड़ता क्या है? सब कुछ। जो चीज मुझे पसंद नहीं मैं नहीं करता हूं। तुमने कभी जिंदगी में अपने मन के विरुद्ध कोई बात नहीं की? हर साल जब मेरे सहेली अपने भाइयों की कलाई सजाया करती तो मैं दीवानों के साथ लग लग के रोया करती।
आप जब भगवान ने मेरी सुनी है तो क्या इस खुशी को भी तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो? तो क्या तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं मेरे लिए? इतने के शायद तुम उसकी गहराई तक न पहुंच सको, और अगर पहुंच सकती तो कभी ये राखी बांधने की कोशिश न करती। अजीब आदमी हो बाबू, जब से गए हो कोई खबर ही नहीं। कहां तक पहुंचा मामला? हो जाएगा सब कुछ। जब आते हो यही कह देते हो, अब होगा, कल होगा, आज होगा, आखिर कब होगा? चोरी करना कोई खाला जी का बड़ा है? घर में 20 लोग बसते हैं, माँ है, बाप है। किसकी माँ, किसका बाप? बुढ़िया तो अंधी है ही, बुढ़ा भी बेटे के प्यार में अंधा हो गया है। फिर भरी हुई तिजोरी खाली करने में तुम्हें रुकावट ही क्या है? देखो एक आदमी तुमसे लड़ता है तुम उससे लड़ सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी गालियों का जवाब प्यार से देता है उसको तुम कैसे हाथ उठा सकते? हाथ तो उठाना ही पड़ेगा। अरे तमाचा मारो उस बूढ़े खुसक को। खबरदार उसे बुढ़ा खुसक कहा। ठहरो, इसकी जो नहीं है पिताजी की बहुत इज्जत है। भले मैं उनका बेटा नहीं, मैं वहां चोरी करने या डाका डालने आया हूं, लेकिन उन्होंने अपनी जबान से मुझे अपना बेटा क्या के पुकारा है। और वह लड़की माया? मैं उसे प्यार करता हूं, ये कहलवाना चाहते हो? हाँ ठीक है, मुझे उसे मोहब्बत है, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। सुनो बाबू, कि माँ ठीक, बाप भी ठीक, माया का प्यार भी ठीक, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा धंधा नहीं है, पेशा तुम्हारा चोरी, उस पर ये कमजोरी। बंद करो अपना ये लेक्चर। तुम्हें माल से मतलब है या मेरी जाती जिंदगी से? माल से गरज है। क्या होगा पिताजी, मैं क्या करूं? कुछ भी हो मुझे बताना पड़ेगा, कुछ भी हो मुझे बताना पड़ेगा, मैं सबको बता दूंगी।
मुन्ना नाराज होकर चला गया तो मैं जहर खा लूंगी। तू क्या समझती है मैं उसके बगैर जिंदा रहूंगा? हाँ, तुम फिर उसे डांटते क्यों रहते हो? शादी के लिए सलाह तुम्हीं ने मांगी थी, फिर उसे कमरे से निकालने की क्या जरूरत थी? तो बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। तुम बहुत अकल की बातें कर रहे हो। 20 साल के बाद बेटा आया है, अब के चला गया लाला जी तो फिर कभी वापिस नहीं आएगा। फिर अपने हाथों से मेरा भी गला घूंट देना, बेटे के बगैर नहीं जी सकूंगी। रुक्मणी, तुम क्या ऐसी बातें करो जैसे वो मेरा बेटा ही नहीं? अरे पगली, हम दोनों का भापा तो उसी के सहारे कटेगा, क्यों ऐसी बातें करती? अब तू जो कहेगी वही होगा, मैं कभी दखल नहीं दूंगा। चुप हो जा, चुप हो जा। तो क्या तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं मेरे लिए? इतने के शायद तुम उसकी गहराई तक न पहुंच सको, और अगर पहुंच सकती तो कभी ये राखी बांधने की कोशिश न करती। भले मैं उनका बेटा नहीं, मैं वहां चोरी करने या डाका डालने आया हूं, लेकिन उन्होंने अपनी जबान से मुझे अपना बेटा क्या के पुकारा है। और वह लड़की माया, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये कहलवाना चाहते हो? हाँ ठीक है, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता। नाराज होकर चला गया। तो क्या समझती है मैं उसके बगैर जिंदा रहूंगा? तो फिर उसे डांटते क्यों रहते हो? शादी के लिए सलाह तुम्हीं ने मांगी थी, फिर उसे कमरे से निकालने की क्या जरूरत थी? वो बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। तुम बहुत अकल की बातें कर रहे हो। 20 साल के बाद बेटा है, अब के चला गया लाला जी तो फिर कभी वापिस नहीं आएगा, फिर अपने हाथों से मेरा भी गला घोट देना। Yeah.
नहीं जाए रे, कहाँ नहीं जाए, ऐसे में कछु कहाँ नहीं जाए, ऐसे में ठहरे कभी कभी मन भागे पीछे चलू चलू कभी आगे ठहरे कभी कभी मन भागे पीछे चलू चलू कभी आगे एक मन आए और एक मन जाए रे ऐसे में कछु कहाँ नहीं जाए ऐसे में कछु कहाँ नहीं जाए ऐसे में कछु कहाँ तू चुप कर टाटा कर रहा है। अरे कुंदन आ बेटा कुछ मेरी मदद कर। जब माँ के साथ बेटी खेल सकती तो बाप के साथ बेटा भी खेल सकता। बैठ क्या सोच रही हो माया? क्या हम खतरे में हैं? तुम फिक्र ना करो माँ, मैं हर खतरे को जानती हूँ। ये लो अपना घर संभालो। इस घर को अभी कोई खतरा नहीं, चौकीदार मैं हूं। माया जरा ख्याल से, कुंदन की हर चाल खतरनाक होती है। कुंदन की हर चाल चोरी की चाल है, लेकिन मेरे पास भी हर चाल का जवाब है। देखे तो चाल ही ना चले और समझे तो बदलनी पड़े। राग जानती है तू, ले अपना वजीर बचा। अपनी एक एक चाल में सौ सौ चाले हैं। मेरे एक एक दांव में सौ सौ बचा। अपने वजीर की खैर बनाओ। जरा सामने तो आओ। वजीर की जगह वजीर, बादशाह की जगह बादशाह। कोई हाथ तो लगा। अरे मुझे भी तो बताओ बाजी क्या है? बाजी सरधर की है माँ, मेरी एक ही चाल, बाकी सब गुलमाल। देखे कौन जीतेगा। क्या बकवास करती हो, सीधी बात क्यों नहीं करती हो? सीधी है बात, काली है रात, अब रंग नहीं जमेगा तुम्हारा। शतरंज की बाजी खेल रही हो या पहेलियां डाल रही हो? निकलता हूं। ये क्या क्या मैं खाम खा उसे नाराज कर दिया? नाराज नहीं, बाजी हार गया। हरा नहीं मां, जीत गया। शाणी जी, एक गुलूबंद खास अंबर सर तो थोड़े लिए बनवाया। ए पट्टी 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 का तो अब रवाज ही नहीं रहा। रवाज दी भी ठीक है ही पहना तू, रवाज आपे आंदे आपे चले जंदे फिर आ जंदे। अरे भाई जिसे पहनना है उससे तो पूछ लो। क्यों माया? हाँ बेटे कुछ पसंद कर लो ना। मुझे आप क्यों बीच में लाते हैं? कुंदन आ बेटा तुम्हें कुछ सलाह दे। शाहजी इंज करो, जेड़ी चीज थानू पसंद आवे तुसी रख लेना, बाकी मैं कल आके ले जाऊंगा। हाँ हाँ मैं पहुंचा दूंगा। चल हाँ ठीक है महाराज जी। कुंदन जी
अरे तू वहां खड़े खड़े क्या कर रहा है? इधर देख बेटा, मेरी समझ तो कुछ नहीं आता। तुम ऐसा करो, इन जेवरात में से तुम्हें और माया को जो पसंद हो उसे रख लेना, बाकी से लौटा देना। ये लो चाबियां। अब बेटा तुम ही सब कुछ संभालो, हम दोनों को छुट्टी दो क्यों कुछ दिन के बाद। सुनो बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे बाप ने भी इसी तरह तिजोरी की चाबियां मुझे दी, और उस वक्त जो उन्होंने मुझसे कहा था, मैं चाहता हूं तुमसे भी कह दूं। उन्होंने कहा था, बेटा तुम इस घर के चिराग हो, इस घर में अगर रोशनी आएगी तो तुमसे, और अगर अंधेरा होगा तो तुमसे। इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। अकेला कहाँ,
साथी न कोई मंजू पत्थर के आशना मिले पत्थर के देवता मिले शीशे का दिल लिए जाऊं कहां पत्थर के आशना मिले पत्थर के देवता मिले शीशे का दिल लिए जाऊं कहां साथी न कोई मंजर दिया है न कोई महफिल चला मुझे लेके है दिल अकेला कहां साथी न कोई मंजर जानते हो आज तुम्हारे वादे की आखिरी रात है जानता हूं तो फिर ये काम आज ही रात को हो जाना चाहिए भगत जी जहाँ इतने रोज इंतजार किया है वहां 10-5 रोज में क्या फर्क पड़ेगा बहुत फर्क पड़ जाएगा 5 दिन में मुंबई से पुलिस यहाँ आ सकती है 5 दिन में तुम्हारे माँ बाप को मालूम हो सकता है कि तुम उनके बेटे नहीं भगत जी शादी का मामला तय हो जाए तो मैं शादी शादी से बढ़कर और कौन सा मौका होगा घर में इस वक्त कपड़े होंगे पैसे होंगे जेवर होंगे घर के लोग खिलाने पिलाने में मसरूफ होंगे घर के सपूत और तिजोरी की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं होगा मैं जानता हूं तुम ये काम करोगे आज ही रात को करोगे याद रखो कल रात को 3 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम कपड़े और जेवर के साथ यहां आओगे जरूर आओगे मुझे तो ये मामला कुछ टेढ़ा नजर आता है क्या मतलब कहीं ये बेटा बनकर सारा माल खुद ही तो हजम नहीं करना चाहता इसकी ऐसी की तैसी ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी न मिले लड़का जिसकी उम्र 5 साल रंग गोरा कद 3 फीट लड़के ने हाथ में अंगूठी पहन रखी है जिसका चिन्ह नीचे दिया गया है एक बच्चा जो मर चुका है आज से 20 साल पहले जबकि वो सिर्फ 5 बरस का था अपने घर वालों से गुम माँ बाप बहन कुछ भी याद नहीं सिर्फ यही एक निशानी बाकी है मेरा तो ख्याल है वहीं चलो चलो
हाथ आया माल वापस कर रहे हो? अभी नहीं भगत जी, फिर किसी बात क्यों? अब क्या बात है? मैं आपके पांव पड़ता हूं, मैं आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 चोर सब कुछ ले गया माया, नगदी जेवरात सब कुछ ले गए। मैं जाता हूं सब कुछ इनके लिए। मत जाओ, मत जाओ, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे लिए मैं शतरंज की बाजी से भाग सकता हूं माया, लेकिन जान की बाजी से नहीं भाग सकता। बचाने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसे मार गिराया। अरे चुप रहो, पूरी बात सुने दो। बोल बेटी, क्या हुआ? बोल, क्या हुआ? वो चोरों के पीछे गए हैं। बोल बाबूजी, बोल, बोल बेटी, बोल। चोर सब गहने ले गए। अरे तुम सब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कुंदन, यहां तक जाओ। जितने आदमी को जरूरत है आदमी लेकर जाओ। पुलिस को खबर करो, खोल दो, जाओ। का कुछ पता चला? नहीं। अरे तुम सब लोग खामोश बैठे हो, खामोश बैठने से कैसा चलेगा? वहां बाराती तैयार हो रहे हैं। माया बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हो रही। कल से उठो, माया को तैयार करो, नया जोड़ा पहना। अरे कैसा जोड़ा, कैसी शादी? शुभ शुभ बोलो शादी, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। शाहजी उठो ना, शाहजी 2 घंटे बाकी रहे शादी में। क्यों शोर मचा रहा खामखा? मैं कहां शोर मचा रहा हूं, घर की इज्जत का सवाल है भाई साहब। मामा, मामा घर की इज्जत रही कहां? ऐसा मैं कहियो भाई साहब। माया पर तरस आ रहा है। दासुमल, दासुमल कुछ पता लगा? नहीं शादी, न चोरों का पता चला ना बेटे का। अरे
ये हिम्मत हारने से कैसा होगा? माया तुम तैयार हो जाओ, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। कल से जाओ, माया को तैयार करो। शाहजी मैं बारात घर जा रहा हूं। मेरे मुंह से सुनना चाहते थे कि मैं उस घर की चोरी क्यों नहीं करता हूं, तो आज सुन लो, मैं उस आदमी का खूनी हूं जो उस घर के बूढ़े मां बाप का बेटा था। वो उनका बेटा जिंदा नहीं है बल्कि मर चुका है और उसकी मौत इन्हीं हाथों से हुई थी। क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूं कि कभी उस घर की तरफ मुड़ के ना देखना। वो मेरा घर है जहां मेरे मां बाप बसते हैं, मैं उनका बेटा हूं। और अगर ये राज तुम्हारे मुंह से किसी को मालूम हुआ तो याद रखो। शाहजी, शाहजी, अरे तुम भी तो ऐसे ही बैठे हो, हाथ मुंह धो, कपड़े बदलो, पगड़ी पहनो, बारात चल पड़ी। बारात? कैसी बारात? मामा उनसे कहो बारात वापस ले जाए। मैं कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं, सब दिखावा था, झूठी शान थी, मेरी सारी जिंदगी शराब पी जुआ खेला था। कुछ नहीं, नहीं ऐसा ना करो। मैं ठीक ही कह रहा हूं बुढ़िया, अगर मेरे हलाल की कमाई होती तो ऐसे न जाती, कोई मेरे सिर पर खाक डालो, मिट्टी डालो। मैं ऐसा मालूम होता कि आवाज मेरी अर्थी, पहले मुझे अपने हाथों से मार डालो, मुझे अपनी बातें निकालो। कुंदन, 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 चोट नहीं लगी? माया, माया, उसे संभाल लीजिए। अरे तुमसे मेरा मुंह क्या देखा, जा पाएंगे, जाओ। संभाल लीजिए, मेरी फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूँ। आप शादी की तैयारी कीजिए, वक्त बहुत कम है। जाइए पिताजी। अरे देखता जाए। अरे जल्दी से उठा बेटा, गहने जल्दी ले जा अंदर, जल्दी कर। पिताजी चलिए। जाइए पिताजी, तैयार हो जाइए। आप सोच क्या रहे हैं? आज मुझे पता चला कि लोग बेटे के लिए दुआएं क्यों मांगते हैं। कुंदन,
साथ चलो भामा। मैं जानता हूं आप किस लिए आए हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि आप एक ऐसे मौके पर आए हैं जबकि मेरे गुनाहों का प्रायश्चित शुरू होने वाला है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यह कि बल्ले इसी घर का बेटा था बाबू, और मेरी यही तमन्ना थी कि मैं जिंदगी भर बल्ले की जगह था। मैं आज कितना खुश हूं बाबू, जिंदगी में जैसा तुम्हें देखना चाहता था वैसा आज देख लिया। तुम मां की आंखों का नूर और बाप के दिल का सरूर हमेशा बने रहो। क्या मतलब? एक पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत से नहीं, लेकिन एक दोस्त होने की हैसियत से उम्मीद रखता हूं कि शायद तुम बड़े हो जाओ। तुम सच कह रहे हो श्याम? बिल्कुल, जाओ, इस वक्त उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। जाओ, सच कह रहे हो बाबू, जाओ जाओ। भद्रम कलिवा भद्रम पश्चिमाक्ष भीयजत्रा स्थिरैरंगे स्तुष्ट्वांगु सस्तनु विवशेम देवहितं यदायु। अरे तू यहां क्या कर रहा है? दूर जाने का वक्त हो गया, चल चल। चल री सजनी अब क्या सोचे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल री सजनी अब क्या सोचे, बाबुल पछताए हाथों को मल के काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल री सजनी अब क्या सोचे, ममता का चल गुड़ियों का कंगना छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना। ममता का चल गुड़ियों का कंगना छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना। छूट गया छूट गया रे, चल री सजनी
अब क्या सोचे कजरा ना बह जाए रोते रोते चल री सजनी अब क्या सोचे दुल्हन बन के गोरी खड़ी है कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है दुल्हन बन के गोरी खड़ी है कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे कुछ कहोगे नहीं वो सब कुछ से मुझे नहीं कहना चाहिए था मैं तुमसे हमेशा कहता रहा अब जब कुछ कहना चाहता हूं तो कुछ कह नहीं पा रहा हूं ऐसा मत कहो कितना बदनसीब हूं मैं जब तुम घर में थी तो मैं बाहर का बना रहा और अब जब कि मैं घर का बना हूं तुम बाहर जा रही फिर तुम ही कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए मैं सब कुछ चाहती हूं तुमने सबको धोखा देना चाहा लेकिन धोखे में तुम खुद आ गए हम सब इस धोखे में खुश हैं माँ पिताजी तुम मैं हम सबको इतने साल जो तलाश थी वो मिल गया तुम्हें वो सब मिल गया